हाउ डू यू कंपोज अ सॉन्ग? सॉन्ग कंपोज करने की क्या मेथड्स होती है, कौन से तरीके होते हैं, कौन से टेक्निक्स एंड स्टेप प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुंडावाला, अ प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज जो सॉन्ग कंपोज करने के हम दो मेथड्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। ये दो मेथड्स अलग अलग, बहुत ही मतलब माइनर डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज पहले आप मेलोडी कंपोज करें, देन उसके ऊपर लिरिक्स को ऐड करें। एंड सेकेंड मेथड इज कि पहले आप लिरिक्स को लेके उसके बाद उसके ऊपर आप मेलोडी को कंपोज करें, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड होता है कि जहाँ पे आपको पहले मेलोडी कंपोज करनी है उसके ऊपर कोई लिरिसिस्ट कोई लिरिक्स लिखेगा, या हो सकता है आप उसके ऊपर लिरिक्स लिखे, ठीक है। इसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दोनों मेथड्स को हम तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इज फाइंडिंग स्केल एंड ग्रूव ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। स्केल एंड ग्रूव ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। अब फाइंड नहीं करना है, हमें स्केल पिक करना है, हमें कौन सा स्केल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेलोडी कंपोज कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा पूरा जो फ्रीडम है वो आपके हाथ में है कि आपको मेजर स्केल सेलेक्ट करना है या माइनर स्केल सेलेक्ट करना है। मेजर स्केल का एक अलग फील होता है, माइनर स्केल का एक अलग फील होता है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो सॉन्ग को कंपोज करने में तो आपके ऊपर लिरिक्स डिपेंड करेगा, जबकि दूसरी साइड जब लिरिक्स पहले लिखनी होती है उसके बाद मेलोडी कंपोज करनी होती है तो आपको लिरिक्स पढ़ के समझना पड़ता है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके पास पूरा कंट्रोल है सॉन्ग का, तो आपको पहले स्केल सेलेक्ट करना है एंड ग्रूव को डिसाइड करना है। ग्रूव मतलब कि सॉन्ग का बीट किस टाइप से होगा और सॉन्ग का फील क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक हैप्पी सॉन्ग कंपोज करना है तो प्रोबेबली यू विल चूज अ मेजर स्केल, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे हैप्पी सॉन्ग्स मेजर स्केल में ही हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, ठीक है। और सेकंड इज कि आपको अगर सैड सॉन्ग कंपोज करना है तो यू विल पिक माइनर स्केल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो हमेशा ये रूल नहीं बना लेना अपने दिमाग में कि हैप्पी है तो मेजर स्केल में ही होगा और सैड है तो माइनर स्केल में होगा, ऐसा रूल कोई नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्केल लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बी माइनर, चलिए, या और एक स्केल लेते हैं एफ माइनर, ठीक है। अब एफ माइनर स्केल मैंने पिक किया एंड आई वॉन्ट टू कम्पोज अ सैड मेलोडी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इसका ग्रूव डिसाइड करूंगा कि इसका बीट किस टाइप से होगा, ये कौन से टाइम सिग्नेचर में जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका टाइम सिग्नेचर डिसाइड करता हूँ 4/4, ठीक है। 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब 4/4 में काफ़ी सारे मोड्स बनते हैं, ठीक है। एक मोड हो गया ये वाला स्लो एंड स्टेडी, एक हो गया थोड़ा सा डांसिंग वाइब, अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल है पसोड़ी सॉन्ग, राइट। तो ये जो सॉन्ग था तो ये इसका एक फील अलग है, फिर फॉर एग्जाम्पल ये सॉन्ग, तो ये दोनों सॉन्ग का फील डिफरेंट है। तो अगर हम मेलोडी के ऊपर लिरिक्स लिख रहे हैं तो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने स्केल एक पिक किया, जो आप कंफर्टेबल हो आप वो स्केल पिक कर सकते हैं, फिर बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो और इसके बाद हमने ग्रूव डिसाइड किया, इसका टाइम सिग्नेचर डिसाइड किया और इसका फील डिसाइड किया कि मुझे किस टाइप का सॉन्ग क्रिएट करना है। तो आई हैव पिक्ड कि मुझे थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी इस तरीके से ये फील सेलेक्ट करना है। आप कोई और भी कर सकते हैं और ये आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स के ऊपर से, राइट। तो ये आपने पिक किया, नाउ कम्स द सेकंड स्टेप व्हिच इज मेलोडी एंड कॉर्ड्स। अब आपको क्या करना है, मेलोडी कंपोज करना है। तो अभी आपको मेलोडी कंपोज करने के लिए मतलब कंपोज करना कैसे है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव है, ठीक है। अब आपने एक सॉन्ग प्ले किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आप खुद सॉन्ग बनाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपोज करने के लिए पहले आपको खुद को अच्छे से पियानो प्ले करना आना चाहिए, दोनों हाथों से पियानो प्ले करना आना चाहिए और आप एफर्टलेसली पियानो प्ले करते होने चाहिए, ठीक है। अब आपके एक दो सॉन्ग प्ले करने के ही मतलब यू नो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप कंपोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले खुद कंफर्टेबल हो जाइए। और सॉन्ग कंपोज करने के लिए मेलोडी कंपोज करने का एक सिंपल सा रूल है कि यू नीड टू फॉलो द स्केल। अब ये स्केल है और आपने फील डिसाइड कर लिया, तो बेस कॉर्ड पकड़िए एंड प्ले विद द नोट्स, ठीक है। जो स्केल की नोट्स है उसमें कुछ एक पर्टिकुलर लाइन या फिर कुछ अलग टाइप से प्ले करने की कोशिश कीजिए जो कि सॉन्ग आपने कभी सुना ना हो। तो
देखो अब ये मैंने नोट गलत प्ले कर दिया, ये स्केल है राइट, तो अब मैं करूंगा कुछ ये मैंने बहुत ही रैंडम से नोट्स प्ले किए और ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे पियानो एफर्टलेसली प्ले करना आता है इसलिए। और ये आप सोच के भी कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हो कि आपको किस टाइप से सॉन्ग बनाना है, मतलब किस टाइप का सॉन्ग एग्जैक्टली बनाना है, कि आपको थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मिले हो तुम हमको सॉन्ग, ठीक है, वो उस टाइप का सॉन्ग बनाना है या फिर आपको थोड़ा सा अलग सॉन्ग बनाना है। तो अब यहाँ पे आपको मेलोडी में रह के, मतलब स्केल में रह के मेलोडी को कंपोज करना है। अब मैंने जो अभी प्ले किया मैं भूल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ही रैंडम नोट्स प्ले किए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही रैंडम नोट्स को प्ले करना है एंड यू नीड टू सी कि वो बीट में जा रहा है कि नहीं, फिर ऐसे कुछ भी प्ले नहीं करना है। ये कुछ भी प्ले करने से कुछ कंपोज नहीं होने वाला, राइट, बीट में कुछ प्ले करने की ट्राई कीजिए। अगेन रैंडम नोट्स, अब आपको मेलोडी कंपोज करने के एक लाइन डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये लाइन में ये नोट्स प्ले करने, उसके ऊपर देन कॉर्ड्स डिसाइड होंगे, ठीक है, पहले मेलोडी लाइन को कंपोज करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक मेलोडी बनाई थी, तो मैं उसकी बात करता हूँ, एफ शार्प माइनर से प्ले किया था, तो मैंने अगर ये मेलोडी बनाई है, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया और ये मैंने ट्रायल एंड एरर, अलग अलग नोट्स को अलग अलग लाइंस के ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत खेल के मैंने ये मेलोडी प्ले की है, ठीक है। ये मेलोडी मैंने आज भी नहीं बनाई, ये मेलोडी मैंने बहुत पहले बनाई थी, शायद एक दो साल पहले, जब मेरे पास फ्री टाइम था, यूट्यूब का इतना काम नहीं होता था, तब मैंने ये मेलोडी को बनाया था, ठीक है। और अभी मैंने कुछ कंपोज नहीं किया, तो मैं पुरानी जो मेलोडी कंपोज की थी उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने ये मेलोडी बना ली, अब इसके ऊपर मैं कॉर्ड्स डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन से कॉर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और ये कॉर्ड्स को सॉन्ग्स के ऊपर कैसे डिसाइड करने की कौन सा कॉर्ड यूज़ होगा, ये बहुत ही अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, या हमारे चैनल पर जाके ये वाला थंबनेल देख सकते हैं, ये वाला थंबनेल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि मैंने कॉर्ड्स कैसे डिसाइड किए इस मेलोडी के ऊपर। ये आपको बैठ के खुद कंपोज करना है, मैंने आपको स्टेप प्रोसेस बता दिया, एंड देन नेक्स्ट पार्ट कम्स किसके ऊपर आपको लिरिक्स ऐड करना है। अब आप लिरिक्स खुद भी लिख सकते हैं या फिर इसे कोई लिरिसिस्ट को दे सकते हैं कि इस टाइप की ट्यून है, इसके ऊपर कुछ लिखो, ठीक है। और क्योंकि ये सैड टाइप ऑफ मेलोडी है, तो उनको भी सैड लिरिक्स लिखनी पड़ेगी, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। द सेकंड मेथड इज कि आपको लिरिक्स पता है और उसके ऊपर आपको कुछ मेलोडी कंपोज करनी है। अब ये होता है थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ पूरा जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द लिरिक्स कि वो किस टाइप से लिखी गई है, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। फॉर एग्जांपल किसी गम में लिखी गई है या फिर किसी के यू नो लव में लिखी गई है या फिर वो एक्साइटमेंट पोर्ट्रे कर रहा है या वो सैडनेस दिखा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, वो लिरिक्स क्या कहना चाहते हैं। देन यू नीड टू डिसाइड कि अब इसका मूड क्या बन रहा है, ठीक है। आपको लिरिक्स पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये कुछ हैप्पी बात बता रहा है या फिर कुछ सैड बातें बता रहा है, ठीक है। उसके ऊपर से देन यू नीड टू डिसाइड द ग्रूव ऑफ द सॉन्ग, यू नीड टू डिसाइड द स्केल ऑफ द सॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको लिरिक्स को एनालाइज करना है कि वो क्या कहना चाहती है। देन आपको उसके ऊपर सेकेंड स्टेप आता है कि यू नीड टू डिसाइड द स्केल एंड ग्रो ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम दैट, ठीक है। तो अब अपने स्केल लिरिक्स के अकॉर्डिंग और ग्रूव भी लिरिक्स के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसी कोई ऐसा लिरिक्स लिखी नहीं है, लेकिन ये स्टेप हो रहा है। तो आप अगर गूगल पे जाएंगे या चैट जीपीटी को कोई पूछेंगे तो आपको वो कुछ लिरिक्स दे देगी, उसको एनालाइज करिए, उसको एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर से कोई ग्रूव या फिर ये डिसाइड कीजिए, एंड देन द थर्ड पार्ट कम्स
उसके ऊपर वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको मेलोडी कंपोज करनी है। दिस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ये हर बार नहीं बनता। और आप सॉन्ग कंपोज करना, अगर ऐसा सोच रहे कि ये वीडियो को देख लिए और आप मैं डायरेक्ट सॉन्ग कंपोज करने लग जाऊंगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होने वाला। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉन्ग हम लेके बैठते हैं तो हम कुछ प्ले नहीं कर पाते, हमारे दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ क्रिएटिव जॉब। तो हर बार आप सेम क्रिएटिवली नहीं सोच पाते हैं, इसलिए हम हर बार सेम चीज़ें कंपोज भी नहीं कर पाते। सेम गोज विद माई यूट्यूब प्रोसेस, कि हर बार मैं सोचता हूँ कि मैं क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे कोई टॉपिक सोचता ही नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कौन सा सॉन्ग चूज करूँ। बट देन देयर कम्स अ डे जहाँ पे मुझे एक साथ 5 स्क्रिप्ट्स के आइडिया आ जाते हैं, एंड देन मैं उसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ये सेम चीज़ करनी है। एक बार लेके बैठे हो अगर नहीं कुछ सोच रहा है, और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब कि वो रूल्स यहाँ पे याद नहीं रखने, रूल्स में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो स्केल डिसाइड कर लीजिए, ग्रूव डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद मेलोडी को कंपोज कीजिए और कॉर्ड्स को डिसाइड कीजिए, एंड देन आपको उसके ऊपर लिरिक्स ऐड करना है, एंड वाइस वर्सा विद द सेकंड प्रोसेस। जहाँ पे आपको पहले लिरिक्स पता है तो उसको एनालाइज करिए, देन उसके ऊपर मेलोडी एंड कॉर्ड्स को डिसाइड कीजिए, ग्रूव डिसाइड कीजिए, एंड देन प्ले करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको एक बार आपको पहले पियानो एफर्टलेसली प्ले करना आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप पियानो को कंफर्टेबली प्ले कर पा रहे हो, देन आप सोच पाओगे कि अब मैं इसके ऊपर कुछ अलग नोट्स को ऐड ऑन करूँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सॉन्ग्स प्ले करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। जितने ज़्यादा सॉन्ग्स आप पियानो पे प्ले कर चुके होंगे, उतने ज़्यादा और उतने बेहतर आइडिया आपको आएंगे। और आइडिया एक दिन में भी नहीं आते, कभी कभी एक साथ 3-4 मेलोडी आपको आइडिया आ जाएगा, कभी कभी कुछ भी नहीं आएगा। सो यू टू डिसाइड, सिट, प्ले करते रहिए, ट्रायल एंड एरर करिए, इसी तरह से सॉन्ग कंपोज होते हैं। ठीक है, इफ़ यू एक्चुअली गो यू नो डीप डाइव इनटू द लाइफ ऑफ अ कंपोजर, तो उनकी लाइफ बहुत सीधी नहीं होती है कि आज बैठे सॉन्ग और आज सॉन्ग कंप्लीट कर लिया। वो आज बैठते हैं तो कभी कभी उनको 10-10 दिन तक कोई मेलोडी सोचती नहीं है, लेकिन देन वो अचानक से आ जाती है। सो दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, तो यू नीड टू बी पेशेंट विद इट, राइट? तो इस तरीके से कंपोज करिए। और अगर आप पियानो को डिटेल में सीखना चाहते हैं, ये कॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट को, मेलोडी के कॉन्सेप्ट को, टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को, अगर ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, देन डोंट वरी, आपको हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है पियानो सीखने का, और वो पियानो सीखने का सिस्टमैटिक प्रोसेस हमने बताया है हमारे 0-0 पियानो कोर्स में। हमारा ये पियानो कोर्स इंडिया का बेस्ट एंड हाइब्रिड पियानो कोर्स है। मतलब कि इस कोर्स के अंदर आपको 14 आवर्स ऑफ कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे आप बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। एडवांस में आरपेजियोस हो गया, एडवांस आरपेजियोस हो गया, खुद के आरपेजियोस कैसे डिजाइन करने हैं, सॉन्ग्स में कौन सा कॉर्ड लगेगा ये कैसे डिफाइन करना है, कॉर्ड्स के सॉन्ग्स को कैसे प्ले करना है, एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में है कि मुझे पियानो पे ये सीखना है, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर हमने सिखाया गया। ठीक है, और इसी के साथ हम कोर्स में देते हैं 6 लाइव क्लासेस। इसका मतलब कि आपको कंटेंट देखने के बाद कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 1-to-1 मुझसे कनेक्ट करके आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के साथ ईबुक भी अवेलेबल है एंड रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है, विच मेक्स दिस कोर्स अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप पियानो को जेन्युइनली एंड दिल से सीखना चाहते हो एंड ग्रो करना चाहते हो पियानो में, देन दिस कोर्स इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स के बारे में कुछ भी डाउट लगे कभी भी, तो ये नंबर मैं आपको देता हूँ, इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।